तो हेलो गाइस, की हालचाल? बढ़िया सब। तो गाइस, आज हम खेलने वाले हैं ट्रेडर लाइफ सिमुलेटर। और काफ़ी टाइम से मेरे को कमेंट आ रहे थे कि अनमोल भाई ट्रेडर लाइफ सिमुलेटर खेलो। तो गाइस, फाइनली आज हम ट्रेडर लाइफ सिमुलेटर खेलने वाले हैं और देखेंगे कि भाई इस गेम में हमें करना क्या है। फिलहाल जहाँ तक मेरे को पता है कि इस गेम में अपनी एक शॉप होती है, उस शॉप पे भाई हमें मतलब उस पे कस्टमर आते हैं और उस पे हमें जो सामान वगैरह होता है मतलब परचून मतलब अपनी जो सुपर मार्केट है, ठीक है, उसमें जितना भी सामान हम मतलब रख सकते हैं वो सारा का सारा। और फिलहाल तो जो अपना रूम था ना भाई, इसमें बेड भी नहीं है, तो पता नहीं यार मैं सोया कहाँ था। आई थिंक से मैं ज़मीन पे सोया हूँगा रात को। फिलहाल तो इधर वाला रूम है ये भी भाई पूरा खाली है। और इधर की तरफ में क्या है, तो ओके यहाँ पे बाथरूम है और टॉयलेट तो है ही नहीं, मतलब सिर्फ ये सिंक बनी है हाथ धोने के लिए और कुछ भी नहीं है, बस टॉवल टंगी हुई है और भाई सब कुछ भी नहीं है। और नीचे की तरफ जाके देखते हैं क्या है। तो ओके यहाँ पे आई थिंक से कोई स्टैचू टाइप का रखा है, पता नहीं इसको यार क्या बोलते हैं, आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना इसको क्या बोलते हैं, ये मेरे को याद नहीं आ रहा है। और फिलहाल तो इधर की तरफ में अपना खुला स्पेस है और ये है भाई किचन, जिसमें कि भाई ये क्या रखे हैं, अंडे हैं या आलू हैं पता नहीं क्या है। और बाकी यहाँ पे मेरे को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। और भाई गैस वगैरह सब कुछ तो है पर खाने पीने का आइटम नहीं है, सिर्फ आलू या फिर वो एग है, पता नहीं क्या है मतलब मेरे को नहीं पता है। और यार ये खुल भी नहीं रही है। फिलहाल तो मेरे को भूख भी लग रही थी क्योंकि सुबह सुबह जस्ट मैं सो के उठा हूँ। तो अभी निकलते हैं यहाँ पे अपनी शॉप पे और देख के आते हैं कि अपनी शॉप का मतलब जो अपनी शॉप है वो भाई कैसी दिखती है, क्या सीन है। तो बैठते हैं गाड़ी में, तो लेट्स गो गाइस। और मेरे को यार ये भी नहीं पता है कि भाई हमारी शॉप कहाँ पे है, तो एक बारी मैं मैप पे ना चेक कर लेता हूँ कि जो अपनी शॉप है वो असल में है किस जगह। अबे मैप क्यों नहीं निकला, हेलो। तो ओके गाइस, यहाँ पे भाई उतर के मेरे को मैप देखना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो अपना घर था वहाँ से हमें निकलना है और आगे एक बर्गर की शॉप पड़ेगी, ठीक है। वहाँ से हमें सीधा मतलब उधर से हम पता नहीं मतलब राइट ही आई थिंक से लेना है, और राइट लेने के बाद में जो स्टोर दिख रहा है यही आई थिंक से अपनी शॉप है। हाँ, तो यही हमारी शॉप है। फिलहाल तो चलते हैं अभी वहाँ पे और देखते हैं जाके कि। और भाई साहब यहाँ पे टाइम वो भाई दिन के 3 बज गए क्या यहाँ पे? तो फिलहाल तो अभी चलते हैं फुल स्पीड में भाई, हम कार को भगा के लेके जाने वाले हैं। और यहाँ पे आई थिंक से यही वाला टर्न था। तो जी हाँ गाइस, ये है बेस्ट बर्गर की शॉप। फिलहाल तो अभी हम कुछ भी नहीं खाने वाले, सबसे पहले हम जाके ना अपनी शॉप देखेंगे कि असल में जो अपनी शॉप है ना भाई वो दिखती कैसी है गाइस यहाँ पे। तो ओके आई थिंक से यही है भाई सुपर मार्केट, हम आ चुके हैं। और भाई साहब उतर जाओ अभी नीचे की तरफ। अबे तो उतर ना भाई, क्या सीन है, हेलो। हाँ तो गाइज अभी हम बाहर निकल चुके हैं और ये है भाई अपनी शॉप। और फिलहाल तो उसका गेट खोलते हैं। ओके तो क्यू टू प्लेस फर्नीचर। ओके तो हमें यहाँ पे कोई फर्नीचर प्लेस करना है, मेरे को नहीं पता यार कौन सा फर्नीचर था, मैंने भाई पढ़ा भी नहीं ठीक से। विजिट टू द फर्नीचर शॉप टू बाय अ टॉयलेट बाथ एंड वट एवर इजली यू नीड। अच्छा मतलब फर्नीचर शॉप पे जाके हमें चीज़ें बाय करनी पड़ेंगी जो जो हमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। फिलहाल के लिए ये भाई अपनी सुपर मार्केट है और काफ़ी बड़ी है यार यहाँ पे। और यहाँ पे ये कौन है, द वर्कर विल हैंडल द सेलिंग प्रोसेस यू जस्ट टू कलेक्ट मनी फ्रॉम द कैश बॉक्स। ओके तो यहाँ पे ये अच्छी बात है कि अपने को एक वर्कर पहले से ही दिया गया है इस गेम के अंदर, जो कि भाई ये भाई साहब हैं और काफ़ी गुस्से में मेरे को नज़र आ रहे हैं। फिलहाल तो देखते हैं यहाँ पे आगे हमें क्या करना है। यार गाइस मैं फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ ना, तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है। और इधर भी क्या है, स्टार्ट अनपैकिंग गोड्स बाय प्रेसिंग एफ विल लुकिंग एट द बॉक्स। ओके तो हमें यहाँ पे कुछ सामान हमें पहले से मिला है। विजिट अ जाबेर, जाबेर हाँ जाबेर है भाई, तो जाबेर की शॉप है वो, तो वहाँ से जाके आई थिंक जब हमें सामान परचेज करना होगा। फिलहाल तो ये बॉक्स है यहाँ पे कुछ, और इनके अंदर कुछ है क्या? तो यहाँ पे यार मेरे को ना पहले तो कुछ हाँ ये लेना पड़ेगा ना इसके लिए, तो इसको हम लगाने वाले हैं फिलहाल तो यहाँ पे गाइस। तो ये अपना लग चुका है। और यार इसमें सामान कैसे रखेंगे यार, हेलो ऐसे नहीं, हाँ ऐसे लिया, अच्छा समझ में आया। तो गाइस यहाँ पे जो अपना सामान है ना उसको हमें यहाँ पे रखना है, और एक उठाना है और इसको भी यहाँ पे रख देंगे। फिलहाल तो जो अपनी शॉप की जो ओपनिंग है वो हम बाद में करेंगे। फिलहाल तो जो अपना सामान है ना उसको मैं अच्छे से मतलब यहाँ पे सेट कर देता हूँ, ताकि कोई अगर कस्टमर आए ना तो वो ले ले। तो उससे पहले यार अपने को ना जो अपनी शॉप है ना उसको मैंने खोला तो है ही नहीं, तो इसका जो डोर है उसको ओपन करते हैं। और जो अपनी शॉप है वो फिलहाल, ओ भाई दुकान खुलने की देर नहीं हुई, यहाँ पर कस्टमर पहले ही आ गया। नो टूथपेस्ट, ओ भाई साहब टूथपेस्ट नहीं है गाइस,
तो मेरे को जो सामान है ना फटाफट से इसमें लगाना पड़ेगा अपनी जो रह गए इसमें, ताकि जो कस्टमर आ रहे हैं ना वो असल में ऐसा है कि जितने भी कस्टमर आते हैं ना वो अच्छा किसी ने भाई जैम बाय कर लिया, तो ये आई थिंक सी जैम की बॉटल्स थी, और मेरे को नहीं पता है कि यार मैंने इनको उल्टा रखा हुआ है असल में गाइस। तो फिलहाल तो उनको यहाँ पे मतलब रख देते हैं, और जो नो क्लीनिंग पाउडर यार कस्टमर भाई अपनी गाइस रेटिंग यहाँ पर अगर गिर गई ना तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज़ फिर अपनी शॉप पे यार कस्टमर आना बंद हो जाएंगे। और ये आई थिंक से रेड चिली लग रही है मेरे को, या फिर हो सकता है सॉस भी हो। नो वेजिटेबल पिज़्ज़ा आ रहे गाइस, यार मैंने गलती करी है अपनी दुकान को ना भाई, जो अपनी शॉप है ना उसको मैं पहले भाई क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि जो कस्टमर्स आ रहे हैं और अगर उनको भाई चीज़ें नहीं मिलेंगी ना तो अपनी जो शॉप की रेटिंग है वो यहाँ पे गिर जाएगी, और फिर क्या होगा उससे कि अपना यहाँ पे बोल सकते हो लाइक आप मतलब फिर कस्टमर कम आया करेंगे अपनी शॉप पे। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल के लिए हम अपनी शॉप क्लोज ही रखते हैं, और फटाफट से जितना भी सामान है ना मैं लगा लेता हूँ गाइस। तो गाइस यहाँ पे यार ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई, यहाँ पे गेम के अंदर भी डायपर थे मतलब बच्चों के, और ये आई थिंक से 1 से 6 साल के बच्चों के लिए है। और भाई 6 साल तक कौन डायपर पहनता है यार, अजीब ही लोग हैं भाई। मतलब यार अपने यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, अपने यहाँ तो भाई 5 साल में बच्चे मतलब समझदार हो जाते हैं काफ़ी। फिलहाल तो यार इस गेम का जो लॉजिक है ना मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे समझ में नहीं आया। फिलहाल जितने भी डायपर्स हैं मैं उनको सब जितने भी है ना उनको लगा ही देता हूँ, कौन भाई बार बार यहाँ पे लगाएगा, क्योंकि अपने पास जो सामान है ना वो उतना ज़्यादा है नहीं फिलहाल तो। और अभी तक यार मैंने इतनी कुछ ज़्यादा चीज़ें भी नहीं लगाई हैं फिलहाल, तो इस वाली बॉक्स में देखते हैं कि इस वाली जो अपना जो कार्टून है, इसको कार्टून ही बोलते हैं वैसे तो फिलहाल, जो जो पेटी है उसमें देखते हैं कि क्या है। तो इसमें आई थिंक पता नहीं क्या है, ये क्या है, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा में आई है, वो वाला ऐड हमें नहीं बनाना है फिलहाल। तो जो वॉशिंग पाउडर है उसको रख देते हैं फटाफट से, और कौन सा वॉशिंग पाउडर है ये, ZX का कोई ब्रांड है उसका वॉशिंग पाउडर यहाँ पे यूज़ होता है। अपने यहाँ तो भाई साहब कौन सा चलता है, घड़ी डिटर्जेंट और पता नहीं कौन कौन से है यार, मेरे को तो नाम भी याद नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भाई यहाँ पे कपड़े धोने का तो काम करता नहीं हूँ मैं भाई, जो मेरे को याद होगा फिलहाल यार मैं क्या ही बोल रहा हूँ। तो इसको यहाँ पे रखते हैं और इसको भी रख देते हैं, तो आई थिंक से इतने काफ़ी है। और यार यहाँ पे ना मेरे को जो कस्टमर ने मतलब कंप्लेंट की थी वो वैसा तो आइटम मेरे को कुछ यहाँ पे दिखा नहीं, फिलहाल इस वाले पेटी पे लास्ट बची है इसमें भी देख लेते हैं कि क्या है। तो भाई ओके, तो इसमें पता नहीं क्या है यार, इसमें क्या है, फैब्रिक सॉफ्टनर पता नहीं कौन सा, अच्छा ये हो सकता है कोई ऑयल हो, वाइट सॉफ्ट फैब्रिक डफोर दिल, पता नहीं यार क्या है। फिलहाल तो जो भी है इन लोगों के ही मतलब की चीज़ है, मतलब जो लोग यहाँ पे रहते हैं उन्हीं के मतलब की चीज़ है। और यार ये ना मेरे को अभी इस गेम की गाइस आदत नहीं है ना, तो चीज़ें है ना वो बड़ी ही अजीब तरीके से यहाँ पे मतलब मेरे साथ हो रही है, बिकॉज मैं बार बार जो पीटी है ना ये वाली इसको उठा ले रहा हूँ। और यहाँ पे यार यहाँ पे गाइस मेरे को सामान लगाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, आई थिंक से अभी हम इस काम में भाई परफेक्ट नहीं हुए हैं, तो जल्दी हम अपना जो मतलब काम है उस पर परफेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी आइटम्स थे मैंने सारे के सारे लगा दिए हैं, और अब टाइम है अपनी शॉप को ओपन करने का, और यहाँ पे रात के 8 बज चुके हैं। अब देखते हैं यार कितने कस्टमर आएंगे, और फिलहाल तो एक कस्टमर आ चुका है, तो $9 हमें यहाँ पर मिले हैं भाई पूरे दिन में। नो रोज टी, वो भाई नो रोज टी भी नहीं है अपने पास में, और मेरे को यहाँ पे ना मतलब वो चेक भी करना पड़ेगा, वो भाई मतलब यार जो कंप्लेंट्स आ रही है ना वो पता कैसे लगेगी गाइस कि क्या क्या अपने पास चीज़ें नहीं है। फिलहाल तो यहाँ पे मेरे को जाबेर की शॉप पे जाके ना कुछ चीज़ें आई थिंक से बाय करनी पड़ेगी, तो ये कोई चीज़ लेके तो गया है बंदा। और अभी यार अपने पास हाँ तो अपने पास पैसे तो पड़े हैं, $500 हैं, तो अभी फटाफट से चलते हैं जाबेर की शॉप पे, और वहाँ से आके ना थोड़े से हम आइटम बाय करके लाएंगे। और यार उसकी शॉप नो डार्क चॉकलेट, तो ओके डार्क चॉकलेट भी हमें लानी है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे जाबेर की शॉप किधर है भाई, किधर है किधर है किधर है, तो जो जाबेर की शॉप है ना वो है उधर की तरफ में, और ये हमारी शॉप है ठीक है, यहाँ से हमें बर्गर शॉप से ओके ठीक है गाइस। तो अभी मेरे को थोड़ा थोड़ा यार जो गेम है ना वो समझ में तो आ रहा है, उतना अच्छे प्रॉपर से भी नहीं आ रहा है, बिकॉज़ यार फर्स्ट टाइम ही खेल रहा हूँ ना, तो उतना समझ में तो नहीं आ रहा है फिलहाल। अभी क्या करें, आप लोगों की डिमांड थी कि अनमोल भाई गेम वो वाला खेलो, तो इसी चक्कर में खेलना पड़ रहा है। और इधर तो यार अपना घर था ना आई थिंक से,
हाँ तो उधर अपना घर है, हमें जाना है इधर, क्योंकि बर्गर की जो शॉप थी ना उससे हमें उधर, और हाँ ये वाला हमें लेफ्ट लेना है। मेरे को थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मैप है ना याद आ रहा है, और फिलहाल तो अभी चलते फटाफट से शॉप पे। जाबेर भाई की शॉप किधर है पता नहीं इधर है या उधर है, फिलहाल तो यही वाला टर्न लेके देखते हैं। अबे यार मैं तो भाई गाइस मैं कहीं रास्ता ना भटक जाऊँ यार इस वाले गेम में। पता है सबसे मेरे को अजीब चीज़ क्या लगी कि इसमें हमारी करंट लोकेशन ही नहीं दिखाता है कि हम अभी है कहाँ पे। तो आई ओ भाई मैं तो ये कार शॉप पे आ गया यार, मेरे को जाबेर की शॉप पे जाना था। फिलहाल तो हम रॉन्ग साइड आ चुके हैं, और अभी एक बार ही मेरे को मैप आई थिंक से देखना पड़ेगा। तो यार कार की शॉप ये है और हमें जाना था जाबेर की शॉप पे, ठीक है। यहाँ पे मेरे को मैप ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि जो अपना मैप है, क्योंकि यार उसमें मतलब सबसे मेरे को खराब चीज़ क्या लगी ना कि यार उसमें मतलब वो लोकेशन ही नहीं दिखाता है कि एग्जैक्ट अभी हम कौन सी लोकेशन पे हैं। फिलहाल तो ये हम कहीं और ही आ गए, ट्रेडिंग कंपनी पे आ गए हैं भाई। हमें कुछ भी अभी ट्रेड नहीं करना है यार, अभी हमें भाई जावेर की शॉप पे जाना है, वहाँ से अपना जो क्या बोलते हैं सामान खरीदना है, और भाई उस सामान को हमें बेचना भी है। मतलब वो वाला सामान नहीं गाइस, खाने पीने वाला आइटम कहीं कुछ मतलब आप लोग कुछ अलग ही भाई सोच रहे हो। आई थी तो कोई ये वाला टर्न तो नहीं था कहीं, ये कौन सी शॉप है यार। ओके तो गाइस यही है भाई जाबेर भाई साहब की शॉप, और यहाँ पे हम आ चुके हैं, और अपनी जो कार है उसको यहीं पे खड़ा करते हैं और चलते हैं अंदर। सम प्रोडक्ट्स रिक्वायर टू बी इनसाइड अ फ्रिज अदरवाइज दे विल रूट। अच्छा इसका मतलब है कि कुछ फूड ऐसे हैं जो कि भाई उनको फ्रिज की ज़रूरत पड़ती है। और ये क्या है यहाँ पे, हमें क्या लेनी थी, एक लेनी थी हमें डार्क चॉकलेट, और ये कौन सी है, ये चॉकलेट बिस्किट है। हाँ वो भाई इसका प्राइस हाई चल रहा है, तो हम गुड वाला जो प्राइस है ना वो हम लेंगे, ठीक है। तो ये ले लेंगे एक, और इसको यहाँ पे रखेंगे, और इसका प्राइस हाई चल रहा है, इसका प्राइस लो चल रहा है, तो इसको यहाँ पे रखेंगे हम। ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे पता लगता रहता है। और ये पता नहीं क्या है, इसको भी बाय कर लेते हैं एक पीस। और हाँ यार एक बंदे ने कोलगेट के लिए भाई कंप्लेंट की थी, तो कोलगेट हमें देखना पड़ेगा कि है या नहीं है। ये कौन सा आइटम है, ये फ्रीज है, और ये कुकीज़ है, और ये क्या है, ये वनीला बिस्किट है, और ये चॉकलेट बार्स है। ये नहीं चाहिए यार हमें, मैं ना थोड़ा सा भाई खाने पीने वाला, ये चिप्स का पैकेट भी नहीं चाहिए हमें। हमें यार यहाँ पे कोलगेट चाहिए था, जिसका कि प्राइस अभी हाई चल रहा है, तो एक बार ही मेरे को लग रहा है ना तो 12 से आने पड़ेगा। और ये है टॉयलेट क्लीनर, और ये वॉशिंग पाउडर तो अपने पास बहुत पड़ा है, हैंड वॉश वगैरह भी नहीं चाहिए। और ये कौन क्या है, डिटर्जेंट भी नहीं चाहिए यार, क्लीनिंग पाउडर तो एक ये बाय कर ही लेते हैं। और फिलहाल तो हमने शॉपिंग तो काफ़ी ज़्यादा कर लिया, और मैं भी ज़्यादा आइटम नहीं लेके जाने वाला हूँ, बिकॉज़ पता लगा हम ज़्यादा आइटम्स खरीद लें फिर आगे चल के हमें किसी चीज़ की रिक्वायर्ड हुई तो अपने पास पैसे ही नहीं है। फिलहाल तो हाँ यहाँ पे क्या था, शुगर था, इसके मतलब इसको ज़रूरी हमें बाय करना चाहिए। और ये है चिप्स का पैकेट है, तो इसको भी बाय कर लेते हैं। तो गाइस अभी आई थिंक से काफ़ी सारा सामान हो गया है। जो ये है ना भाई टूथपेस्ट है ना, जो कोलगेट अपना, इसका प्राइस यहाँ पे काफ़ी हाई है। तो इतना सारा आइटम था भाई जाबेर भाई साहब, और इसको आप डिलीवर करा दोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। तो $10 की कॉस्ट जाएगी इसको डिलीवर कराने की। तो ओके हम चलते हैं, और मैंने इसको ऑर्डर तो दे दिया ना। हेलो हेलो सर, कैन यू हियर मी, टेक फ्रॉम द बॉक्स क्वांटिटी। वो इसको क्या मेरे को लोड करना पड़ेगा क्या, हेलो लग तो ऐसे ही कुछ रहा है। फिलहाल तो देखते हैं यार, इसमें तो जा ही नहीं रहा। हेलो हेलो हेलो, तो यार मैं इसको लेके कैसे जाऊंगा गाइस यहाँ से, मेरे को तो यही समझ भी नहीं आ रहा। ये कौन सा है, एटीएम है, और ओके तो यहाँ पे एटीएम भी है, ये काफ़ी बढ़िया बात है कि यहाँ पे एक एटीएम भी लगा हुआ है। और यार भाई तू मेरा सामान तो भेज यार, मैंने आइटम तो खरीद लिया है, तो सामान कब भेजेगा। हेलो अंदर जाऊँ क्या, तेरे तेरे कंप्यूटर में कुछ करना है क्या। हेलो सर भाई साहब, भाई इतने गुस्से में क्यों देख रहे हो यार, मैं मतलब तुम्हारा कस्टमर हूँ और तुम मेरे को इतने घूर के देख रहे हो। तो यार जो अपना आइटम है वो मतलब यार जाएगा कैसे,
मेरे को यही नहीं पता है। तो आई थिंक से डिलीवर करा देगा, तो हम चलते हैं अपनी शॉप पे और फटाफट से निकलते हैं। और यहाँ पे रात हो चुकी है गाइस, और अभी तो हम शॉप भी, मैंने आई थिंक से पता नहीं यार जो बंदा मैंने जो रखा है ना उसने बंद की भी होगी या नहीं, तो मेरे को एक बार शॉप पे भी जाना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम जाएंगे घर पे सोने के लिए, बिकॉज़ अभी रात हो चुकी है, रात में तो कस्टमर आने से रहे ही नहीं। तो फटाफट से अपनी शॉप पे चलते हैं गाइस। तो ओके गाइज, अभी हम अपनी शॉप पे आ चुके हैं और भाई जो बंदा यहाँ पे काम करता है ना वो तो यहाँ से गायब हो चुका है, और अपनी शॉप है वो पूरी खुली है और रात के 2 बज रहे हैं। मतलब यार ये भाई अगर कल वापस आएगा ना तो इसकी मैं गंदे से क्लास लगाने वाला हूँ, बिकॉज़ यार जो अपनी दुकान खुली छोड़ गया भाई चोरी वोरी हो जाती तो। और अभी तो फ़िलहाल तो रात हो रही है, तो अभी हम घर पे चल रहे हैं और फिर जाकर सोएंगे, और फिर अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग में हम आने वाले हैं फिर से अपनी शॉप पे। तो गाइस अभी फटाफट से चलते हैं। तो ओके गाइज, अभी हम घर तो आ चुके हैं, पर यार दिक्कत पता है क्या है कि अब भाई हमें सोने के लिए ना अपने पास बेड नहीं है, तो यहाँ पे मेरे को बेड बाय करनी पड़ेगी, और भाई यहाँ पे मेरे को काफ़ी तेज़ भाई सुस्सू भी लग रही है, तो उसके लिए भी कुछ जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। और मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला रूम लूँ या वो वाला लूँ, तो फ़िलहाल तो मैं यही वाला रूम में अपना जो बेड है वो लगाने वाला हूँ। तो ये रहा बेड, इसको प्लेस करते हैं, और इसको हम ऐसे प्लेस करेंगे ताकि यहाँ से सोते वक्त ना बाहर के भी हमें नज़ारे देखने को मिले। और अपने चारों तरफ मतलब दोनों तरफ तो विंडो है, और इधर की साइड में वॉल है, और यहाँ पे भाई मैं टॉयलेट भी लगा ही देता हूँ लगे हाथों। तो ये रही अपनी टॉयलेट, इसको भी प्लेस करते हैं, और इसको हम करेंगे यहाँ पे। नहीं यार यहाँ पे तो हम शावर वगैरह लेंगे ना, तो इसको साइड में ही करते हैं। तो यहाँ पे गाइस लाइट ऑफ हो चुकी है, और तुम्हारा भाई अभी पर्सनल काम कर रहा है, और इतनी जल्दी कर भी ली, वाह काफ़ी बढ़िया है। तो अभी फटाफट से गाइस सोते हैं इसके अंदर। हाँ तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हो चुका है डे 2 है आज हमारा, और हम सो के उठ चुके हैं। बाहर काफ़ी ज़ोरों की बारिश हो रही है, और इससे पहले कि भाई मतलब बारिश हो रही है तो होने तो हमें क्या करना है, हमें जाके गाइस अपनी शॉप ओपन करनी है यार, क्योंकि हम शॉप ओपन नहीं करेंगे भाई तो पैसे कहाँ से कमाएंगे। फिलहाल तो ओ भाई साहब बारिश हो रही है, मेरे को गाड़ी के अंदर फटाक से बैठना पड़ेगा। तो गाइस अभी फटाफट से निकलते हैं अपनी शॉप की तरफ, और देखते हैं यार अभी यहाँ पे मैंने आज कुछ खाया नहीं है भाई, दूसरा दिन हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि बर्गर पे जो अपना जो बर्गर वाली शॉप है ना वहाँ से भाई हम कुछ खा लें। ये है भाई अपनी बेस्ट बर्गर की शॉप, और यहाँ से देखते हैं भाई कौन सा बेस्ट बर्गर हमें मिलने वाला है, क्योंकि यार अपना आज अपन को पता है बिना खाए भाई पूरे 2 दिन होने वाले हैं इस गेम में। तो फिलहाल तो बाहर उतरते हैं और चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे ऑर्डर 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 ऑर्डर, हेलो 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 हेलो, ओ तो भाई ये रहा काउंटर, इधर है यार मैं उधर कहाँ भटक रहा था। तो मेरे को क्या लेना चाहिए, पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा कितने का है, $65 का है, बर्गर है 25 का। तो मैं यहाँ पे एक बर्गर बाय करता हूँ, और नहीं मेरे को खाना था यार, अच्छा मैं बाद में ऑर्डर करता हूँ, तो इसको मैं इधर रखता हूँ, और यहाँ पे फ्राइज़ भी ले लेता हूँ। तो ओके गाइज, अपने पास अभी 2 आइटम हो गए हैं, तो फटाफट से मैं ना बैठ के यहाँ पे खा ही लेता हूँ इसको। खा ले भाई, कैसे खाएगा, हाँ। तो गाइज यहाँ पे काफ़ी ज़ोर से मेरे को भूख लग रही थी, और अब जाके भाई जो अपनी भूख है वो आई एम मिट चुकी है भाई, 10% हम अभी भी हंगरी है मतलब भूखे हैं। तो इतना तो यार अपन को अभी झेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सारा पैसा खाने में खर्च कर देंगे ना तो भाई अपनी शॉप के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। फिलहाल तो जो अपनी शॉप है उसकी तरफ चलते हैं, और सुबह के 8 बज चुके हैं, बारिश काफ़ी तेज़ी से हो रही है, और उम्मीद ये है कि जो अपने रात में कल हम जो सामान वहाँ पर ऑर्डर करके आए थे ना वो भाई उसकी डिलीवरी हो गई हो, बिकॉज़ अगर वो नहीं आए होंगे ना तो यहाँ पर मैं भाई जाबेर का ना मुंह तोड़ के आने वाला हूँ। और जो बंदा था वो यहाँ पे आ चुका है वापस। फिलहाल तो मैं इसकी भाई आज क्लास लगाने वाला हूँ। क्यों बे, अबे ये तो जाबेर लग रहा है मेरे को भाई, कपड़े वपड़े बदल के क्या पार्ट टाइम जॉब मेरे यहाँ करेगा भाई, कितने मेरे मतलब कितनी छीलेगा तू, मतलब उधर एक क्या बोलते हैं वो तो यूज़ अ लैपटॉप टू सेव योर प्रोग्रेस। ओके तो हमें लैपटॉप लेना है, हाँ। तो मैं क्या बोल रहा था कि मतलब वहाँ भी सामान ये बेचने का काम करता है और यहाँ पे भी। फिलहाल तो जब अपना पैसे लेते तो यहाँ से $77 हमें मिल चुके हैं, और तो बैंक अकाउंट पता नहीं किसकी भाई पैसे कट देते हैं। और यार जो अपना सामान है ना वो अभी तक आया ही नहीं है, इसमें क्या था, इसमें भी वही आइटम है कल वाला, और
तो यार मैंने ये बेकार ही उठा लिया, इसको वापिस ही रख देते हैं यार। तो अपना जो आइटम था ना वो अभी तक आया क्यों नहीं? मैंने यार जाबेर को मैं बोल के आया था। हेलो, हाँ ये रहा ना, जाबेर प्रोडक्ट्स टू डिलीवर। नो एग भाई, अंडे भी नहीं है मेरे पास। नॉर्मल प्राइस, करंट प्राइस, तो ऑर्डर यार मैंने करा हुआ तो है, तो अभी तक आया क्यों नहीं? नो कोला। ओ गाइज, यहाँ पे काफी सारी यार डिमांड आ रही है, क्या इधर की तरफ में कुछ मिलेगा? तो ये वाला शटर हमने खोल दिया है, तो यहाँ पे यार कोई आया तो है नहीं, अपना ऑर्डर भी नहीं आया यहाँ पे अभी तक। नो टिश्यू पेपर, यार टिश्यू पेपर भी नहीं है गाइस। तो कस्टमर यार यहाँ पे काफी ज्यादा मतलब भाई नाराज होके जा रहे हैं। और तो यहाँ पे हमने जो ऑर्डर दिया था मतलब जावेर के पास से हम जो अपना सामान लेके आए थे, वो आज वो असल में है कहाँ पे यार? उसको हम बाय कैसे करेंगे? ऑर्डर ऑर्डर कहाँ है मेरा? ऑर्डर कहाँ है जावेर? हेलो, तो मेरे को आई थिंक से गाइस जावेर की शॉप पे जाना ही पड़ेगा फिलहाल। उसके अलावा हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन भी नहीं है, वहां जाके ही पता लगेगा कि क्या सीन है और कैसा क्या सीन है। तो फटाफट से चलते हैं भाई जाबेर की शॉप पे, तो लेट्स गो गाइस। तो ओके गाइस, अभी हम भाई जाबेर की शॉप पे तो आ चुके हैं, और भाई अपनी गाड़ी ठुक गई यहाँ पे। तो यार जो अपना सामान है वो अभी तक इसने डिलीवर ही नहीं कराया, बेवकूफ़ इंसान ने। भाई कब करेगा मेरा ऑर्डर डिलीवर तू? हाँ बता, थप्पड़ मारूंगा तेरे खींच के भाई। मतलब अभी तक इसने मेरा ऑर्डर डिलीवर ही नहीं कराया, कब करेगा? हेलो 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 हेलो। तो आई थिंक से ना मेरे से ही आई थिंक से कोई मिस्टेक हो रही है। हो सकता है कि जो ऑर्डर है ना उसको डिलीवर करने का काम कहीं और से होता हो, और यहाँ से कुछ होता है। नो डॉग फूड, डॉग फूड भी नहीं अपने पास। तो गाइस मेरे को ये देखना पड़ेगा यार कि पंगा असल में है क्या, बिकॉज यहाँ पे यार कुछ ऑप्शन भी नहीं आ रहा है, और ये ट्रक में भी कोई नहीं है। तो मैं अपना जो ऑर्डर है वो लेके कैसे जाऊँगा यहाँ से? तो गाइस यहाँ पे यार मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि जो यार अपना सामान है हम इसको कैसे लेके जाएंगे, क्या सीन है। तो फिलहाल के लिए मैं कोई एक आइडिया आया है, और आइडिया ये है कि जो अपना सामान है ना भाई हम खुद से ही ले जाने वाले हैं अपनी गाड़ी पे रख के। बिकॉज़ यार मैं इसको पैसे भी दे रहा हूँ और उसके बावजूद यार जो अपना सामान है ना ये लेके नहीं जा रहा है यहाँ से। क्या ये वाला बॉक्स आ जाएगा इसके ऊपर? तो गाइस देख रहे हो भाई तुम्हारा भाई जुगाड़ में कितना आगे है, और ये वाला पैकेट भी हमारा ही था। तो जी हाँ गाइस, ये वाला पैकेट भी अपना ही है, और इसके ऊपर रखते हैं। मेरे को लग रहा है आई थिंक से जो अपना सामान है ना वो हमें खुद से ही ले जाना पड़ सकता है। पर यार इसमें ऑप्शन तो दिया है कि जो आइटम है वो मतलब ये पहुंचवा तो देगा, पर उसके मतलब चार्जेस तो ऑब्वियस सी बात है कि ले गई, पर पहुंचा ही तो सही भाई, पहुंचा भी तो नहीं रहा है यार फिलहाल। तो गाइस फटाफट से जो अपना ऑर्डर है ना मतलब जो सामान है वो अपनी गाड़ी के ऊपर यहाँ पर लोड करते हैं। और भाई तुम्हारे भाई ने भी GTA बहुत खेला हुआ है, तो ड्राइविंग में और जुगाड़ में तो एक नंबर है भाई, मतलब इतना तो दिमाग खैर मेरा मतलब चलता ही है। फटाफट से जो अपना सामान है ना उसको मैं लोड कर लेता हूँ। तो ओके गाइज, यहाँ पे आप देख रहे हो भाई साहब मैंने पूरा जो सामान है ना वो का पूरा भाई अपनी गाड़ी पे ही लोड कर लिया है, और अब हमें किसी जाबेर उबेर की ज़रूरत नहीं है। भाड़ में जा तू मतलब, और ओ अबे वो दो डब्बे तो हवा में ही रहे हैं भाई, ये क्या हो रहा है? हेलो 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 हेलो, अरे रुक जा गाड़ी यार, एक तो रुकती नहीं है ये, और ये बिना रुके मतलब चलती भी नहीं है। वाह, तो ये जो दो डब्बे थे ये असल में आ जाते ना इधर की तरफ तो ज़्यादा बढ़िया रहता। और कहाँ गया एक और था ना? कहाँ गया? हेलो कहाँ गया? अच्छा नहीं, ये रहा यार। मैं भी ना गाइस किधर किधर भटक रहा हूँ। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था कि जो अपना ये वाला बॉक्स भी कहीं आ जाता ना तो। हाँ तो अब ठीक है। तो गाइस जो अपना सारा सामान है वो मैंने लोड कर लिया भाई गाड़ी के ऊपर, और क्या फिर से कोई डब्बा तो नहीं रह गया? तो एक बारी मेरे को यहाँ पे चेक तो करना पड़ेगा। तो गाइस अभी ठीक है, अभी जो अपना सारा सामान भाई अपनी गाड़ी पे लोड हो चुका है फिलहाल, तो यहाँ पे मेरे को आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा है। और कस्टमर की जो रेटिंग है ना वो दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा अपनी शॉप की गिर रही है, बिकॉज यार जो उन लोगों को सामान है ना भाई अवेलेबल ही नहीं हो रहा है टाइम पे। तो फटाफट से अपनी चलते हैं शॉप पे, और मैं यार गलत रास्ते तो नहीं जा रहा हूँ भाई? हाँ तो मैं गलत रास्ते ही जा रहा हूँ आई थिंक से, बिकॉज अभी सामने का तो मेरे को कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। तो अभी जिधर भी हम जा रहे हैं तो जा ही रहे हैं भाई। ओके गाइस अभी हम भाई आ चुके हैं अपनी शॉप पे वापस, और
अभी मेरे को फटाफट से जो सामान है ना उसको अनलोड करना पड़ेगा इस पे से। और यहाँ पे भाई हमने अपने $10 बचा लिए आज, और सामान भी यहाँ पे काफ़ी कम हो गया है आप देख सकते हो फिलहाल। तो यार मैंने चारों तरफ से यार अपनी शॉप को खुला क्यों छोड़ा है, क्योंकि यार यहाँ पे चोरी, वैसे चोरी तो खैर कोई करेगा नहीं, पर फिर भी यार मैंने अपना पीछे वाला जो शटर था ना वो मैंने बंद कर रखा था। अरे यार मैंने गलती करी, जो अपनी गाड़ी थी ना वो मैं इसी शटर में मतलब अंदर ही लगा देता ना, तो यहाँ से मेरे को काफ़ी ईजी भी पड़ता। तो चलो कोई नहीं, यहाँ से भी हम भाई अपने सामान है उसको फटाफट से लगा देते हैं इसके अंदर। और ये आई थिंक अपना स्टोर रूम रहने वाला है, तो फटाफट से गाइस जितना भी सामान है ना मैं उसको अनलोड कर लेता हूँ। ओके गाइस यहाँ पे अभी सारा जो सामान था वो तो हमने भाई अपनी कार में से अनलोड कर लिया है। अभी मेरे को क्या करना है ना, इसको उठाना है और सबसे पहले जो अपना सामान है ना मैं उसको भाई जगह पे लगा देता हूँ। अबे यार ये यहीं पे लगेगा क्या? तो हाँ, तो जितना भी सामान है ना उसको मैं पहले यार मेरे को लगाना भी तो पड़ेगा, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। और पता नहीं ये क्या है, जो भी है इसको लगा ही देते हैं, क्योंकि वरना आपको तो पता ही है गाइस कस्टमर की कितनी ज़्यादा कंप्लेंट आ रही है यार यहाँ पे। और इसको भी लगा देते हैं और देखेंगे ये कि भाई आज अपनी कितनी ज़्यादा मतलब कमाई हुई है यहाँ पे दुकान से। फिलहाल तो जो भी जितना भी सामान है ना मैं फटाफट से इस पर लगाता हूँ। और भाई तू भी आ और तू भी बाहर जा, कहाँ गया ये रहा। तो गाइस यहाँ पे मैंने बहुत सारा सामान है ना भाई मतलब ज़्यादातर जो जितना भी सामान था वो मैंने यहाँ पे लगा तो दिया है। और काफ़ी आप बोल सकते हो यार यहाँ पे सामान है ना भाई बिकने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, मतलब काफ़ी धड़ल्ले से भाई जो अपने आइटम्स है वो बिके जा रहे हैं यहाँ पे। और ये भी मैं कुछ लेके तो आया था, हाँ ये पता नहीं कोई सी चॉकलेट थी, डार्क चॉकलेट। तो फिलहाल उस समय काफ़ी ज़्यादा जो उसके प्राइजेस हाई चल रहे थे, तो इसी वजह से मैं डार्क चॉकलेट तो बाय करके नहीं लाया। और अभी के लिए फ़िलहाल जितना भी सामान था ना मैंने यहाँ पे लगा तो दिया है। फिलहाल अभी मेरे को गाइस जाना है फर्नीचर शॉप में, और वहाँ से भाई तो यहाँ से हमें $306 की भाई आज पूरे दिन में अभी तक अर्निंग हो चुकी है। तो मैं जाता हूँ सबसे पहले फर्नीचर शॉप पे, और वहाँ से जो अपनी रैग है ना उसको और बाय करके लाएंगे। पे हम आ चुके हैं भाई फर्नीचर शॉप में, और मेरे को काफ़ी टाइम बाद बहुत देर मेरे को ढूंढना पड़ा तब जाके भाई ये शॉप मिली थी। फिलहाल तो यहाँ से मेरे को चाहिए था, वो कहाँ है जो अपने पास थी यार वो वाली, हाँ ये रही। तो मेरे को एक ये बाय करनी थी, तो इसका इसको हमने बाय कर लिया है। और क्या बाय करें गाइस, फिलहाल तो ज़्यादा मैं सोच रहा हूँ ना ये क्या है, ये फ्रीजर है, और भाई ये $750 का है, तो ये तो भाई अपनी बजट से ही बाहर है अभी अभी के लिए फ़िलहाल तो गाइस। और क्या बाय कर सकते हैं हम, डोर फ्रेम नहीं चाहिए हमें, और कुछ क्या लें, इलेक्ट्रॉनिक टेबल नहीं चाहिए फ़िलहाल के लिए गाइस। ये क्या है, स्टोरेज रैक, हाँ स्टोरेज रैक की भी वैसे भी कुछ ज़रूरत नहीं है, मैं एक ये और बाय कर लेता हूँ। और इतना जो सामान था वो लेके चलते हैं। और यहाँ पे यार अभी रात हो चुकी है, मैंने ना भाई अपनी शॉप भी क्लोज़ नहीं किया है, तो फटाफट से भाई मेरे को जाना पड़ेगा शॉप पे भी, मतलब शॉप भी क्लोज़ नहीं करी है। और भाई ये कौन सी, वो भाई ये तो पोलो कार खड़ी है यार वोल्सवैगन की। फिलहाल तो अभी चलते हैं फटाफट से अपनी शॉप पे गाइस। और यहाँ पे सच्ची में ना गाइस रास्ते काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है यार, बहुत जल्दी मैं मतलब यहाँ पे भटक जा रहा हूँ, बिकॉज मेरे को जो रास्ते है ना वो ठीक से याद ही नहीं है यार। हाँ तो आई थिंक हम सही जा रहे हो, बस उम्मीद तो यही है, वरना अगर गलत आ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और हाँ सही जा रहे हैं गाइस, तो अभी फटाफट से चलते हैं शॉप पे, और वहाँ पे जो अपनी शॉप है उसको बंद कर देंगे, क्योंकि अभी रात के बज चुके हैं 11, और इस टाइम पे तो ऑब्वियस ही बात है मेरे को मैसेज भी आ चुका है कि कोई कस्टमर नहीं आने वाला है आपकी दुकान पे, तो अपनी दुकान कृपया करके बंद कर दो, अदरवाइज़ अगर उसमें चोरी डकैती कुछ भी हो गया तो उसकी ज़िम्मेदारी हमारी नहीं होने वाली है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, तब भड़क काय को रहे हो, कर देंगे बंद। तो गाइस अपनी जो शॉप है उसको यहाँ पर बंद करते हैं, और जितने भी पैसे हैं उसको निकालते हैं, और फिलहाल तो देखते हैं। तो गाइस आज अपने पास टोटल भाई अभी उस समय 300 कुछ डॉलर की इनकम हुई थी, और $81 की अभी हुई है। तो हम बोल सकते हैं जो अपना बिजनेस है ना चल तो काफ़ी बढ़िया रहा है, और मैं सोच रहा हूँ कि आए हैं तो लगे आते जो अपना काम है वो भी मतलब करते ही जाएं, क्योंकि घर पे जाके हमें सोना ही तो है। तो यहाँ पर मैंने टेढ़ी तो नहीं लगा दी, चलो ठीक है, तो इसको भी लेते हैं और लगे हाँ तो इसको भी लगा ही देते हैं गाइस। तो इसको यहाँ पे, तो अभी गाइस ठीक है मैंने सारी रैक थी वो लगा दी हैं, और
और क्या गाइज, अभी मेरे को घर जाना पड़ेगा भाई, सोना पड़ेगा। और तो आज की वीडियो गाइज अभी यहीं पे हम एंड करने वाले हैं। और आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वाला जो गेम की सीरीज है वो आपको कैसी लगी। और मेरे को यार ऐसे गेम्स में कमेंट्री करना उतना मतलब एक्सपीरियंस अभी नहीं है, तो थोड़ा सा भाई झेल लेना। और तो बस गाइज आज की वीडियो में अभी के लिए फिलहाल इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर से अच्छी लगी होगी। गाइज वीडियो अच्छी लगी हुई तो बड़े को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।